हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर जेई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 का यहाँ पर फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो रिजल्ट तो पब्लिश किया ही गया है, उसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है, उसी के साथ कट ऑफ, उसके साथ यहाँ पर बहुत सारा कुछ यहाँ पर दिया गया। आप लोगों को इसको जानने के लिए इस वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा दोस्तों। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बोला गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जूनियर एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2022 के यहां पर जो पेपर वन का रिजल्ट 18/1 को हुआ था, उसके साथ साथ पेपर टू का आप लोग का एग्जामिनेशन 26/2 को, उसके साथ यहाँ पर जो उसका रिजल्ट आप लोग के लिए यहाँ पर जो है पब्लिश हो गया था। उसी के साथ यहाँ पर जो है बोला गया कि जो यहाँ पर प्रेफरेंस आप लोग को दिया गया है 4/5/2023 से 6/5/2023 के बीच में, वो आप लोग को यहाँ पर जो शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं टोटल 2798 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो उस डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आप लोग क्या कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो आप लोग को डिपार्टमेंट के अनुसार आप लोग को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द कॉन्टैक्ट इन द रिस्पेक्टेड यूज़र डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट से ही आप लोग का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हैं उसका भी एक पैरा यहाँ पर दे दिया गया है एज़ पर पैरा 17। तो उसके बाद नीचे अगर आप लोग जाएंगे, नीचे में यहाँ पर जो आप लोग का कट ऑफ भी यहाँ पर जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट कोड अनुसार यहाँ पर पोस्ट कोड क्या है वो आप लोग को नीचे पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं EWS SC ST OBC UR ऐसा करके यहाँ पर दिया गया है। टोटल मार्क्स यहाँ पर 314 यहाँ पर जो EWS के लिए, उसके बाद पेपर टू में 196। तो इसी तरह से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर दिया गया है, उसके साथ साथ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का ये सब डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर छः डिपार्टमेंट कोड डी, उसके बाद GA GI इसी तरह से सब कुछ दिया गया है। जो डिपार्टमेंट कोड यहाँ पर से आप लोग को जो मिल जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी आप लोग को यहाँ पर कट ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है ABCD का, मतलब यहाँ पर कौन सा पोस्ट यहाँ पर आप लोग का होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, वो सब कुछ यहाँ पर जो पूरी तरह से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो अब बात आता है कि यहाँ पर आप लोग का जो यहाँ पर रिजल्ट मतलब स्कोर आप लोग को कैसे यहाँ पर पता चलेगा। दोस्तों, स्कोर यहाँ पर जो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, वो भी यहाँ पर जो शॉर्टली मतलब यहाँ पर जो है बहुत ही जल्द आप लोग का यहाँ पर जो स्कोर कार्ड भी यहाँ पर जो अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। चल अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे आप लोग जो अपना जो करीब करीब 3000 के आसपास कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, उसका रिजल्ट कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज ही के डेट में 24 तारीख के डेट में यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश किया गया है। इसको सिंपली आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, इस PDF को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप लोग को जो है उसका यहाँ पर जो सर्च बार पर आप लोग को चले जाना होगा। सर्च बार जाने के बाद आप लोग को उसका आप लोग को अपना अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर देना है, या फिर आप लोग जो अपना नाम भी दे सकते हैं, या फिर फादर नंबर से आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे बढ़िया होगा आप लोग जो अपना रोल नंबर से चेक करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर, नाम, फादर नेम, उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, कौन सा कैटेगरी में हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सीरियल नंबर वाइज रैंक भी यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।